Good morning, kids. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you. आज हमने क्या पढ़ना है? चॉकलेट बार. ठीक है, सारे बच्चों ने चॉकलेट्स देखी हैं? Yes, sir. खाई भी हैं? चॉकलेट्स में देखो, जब भी हम चॉकलेट्स लेते हैं तो चॉकलेट्स में क्या होते हैं, ऐसे कुछ पीसेज उसमें बने हुए होते हैं. क्यों बने होते होंगे उसमें पीसेज? वेरी गुड. काय के लिए? बांटने के लिए, ताकि हम उसे आसानी से एक दूसरे में बांट सकें. आज भी हमको वही काम करना है. मंजू के पास एक चॉकलेट है और उसने उसमें से सी के 1/4 ऑफ इट टू राजी. 1/4 का मतलब एक बट्टे चार. ठीक है, कितनी? एक बट्टे चार. 1/4. अब जो ये चॉकलेट है, ठीक है, इस चॉकलेट के कितने पीस हैं अभी? 12 पीसेज हैं. अब वो बोल रहे हैं कि उसने, मंजू ने इसमें से 1/4 राजी को दे दी है. अब देखो यहाँ पर हम एक चॉकलेट, यही सेम चॉकलेट हम यहाँ पे भी बना लेते हैं. ठीक है, कितने पीसेज हैं इसके? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 और 12. ठीक है, 12 पीसेज हो गए इसके. अब देखो राजी को कितने मिले हैं इसमें से? राजी को मिले हैं इसमें से 1/4. ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें से एक टुकड़े की बात करें, माना हम इस टुकड़े की बात करें, तो ये कितना है इसके हिसाब से? फ्रैक्शन में बताना है, बताओ. भिन्न में बताना है. ये इसका एक टुकड़ा कितना है? एक बटे कितना? इसके हिसाब से बताओ ना, इसको देख के बताओ. एक बटे 12. सिंपल है. इसका एक टुकड़ा कितना है? 1/12. अब वो बोल रहे हैं कि राजी को हमने इसमें से कितना टुकड़ा दिया है? 1/4. अब 1/4 के लिए मतलब जो ये नीचे है ये कितना है? 4. इसका मतलब इसके कितने पीसेज करने हैं हमको? इसके कितने पीसेज करने पड़ेंगे हमको? 2. इसको बनाने के लिए, 1/4 बनाने के लिए इसमें कितने टुकड़े होने चाहिए थे? 3. टुकड़े कितने होने चाहिए थे? टुकड़े. इसके कितने पीसेज करने पड़ेंगे हमको? 2. यहाँ देखो ना, ये देखो 1/4 लिखा है ना हमने. जी, इसका मतलब इस चॉकलेट के कितने टुकड़े होने चाहिए थे? 4. लेकिन अभी कितने टुकड़े हैं? 12. तो इसका मतलब इसको 4 में से एक टुकड़ा मिला, तो 12 में से कितने टुकड़े मिलेंगे? 12 में से 3. सिंपल है. कितने मिलेंगे? 3. तो राजी को मिल गए हैं ये 3 पीसेज. ठीक हो गया, क्लियर है? यस सर. ये तो हो गया राजी का. अब वो बोल रहे हैं कि इसमें से 1/3 मिले हैं सुगथा को. 1/3 कितने मिले हैं? सुगथा. अब 1/3 के लिए इस चॉकलेट के कितने पीस होने चाहिए थे? 1/3 के लिए. हाँ, 1/3 मतलब कितने पीसेज होने चाहिए थे इसके? 3. हैं? 3 में से उसको एक मिलना था, तो 12 में से कितने मिलेंगे? 2. मतलब सोचो कि इसी चॉकलेट के अगर आपको 3 बराबर बराबर हिस्से करने पड़ते तो कितने मिलते उसे? 4. सिंपल है, 4. ठीक हो गया, 4 हो गए. तो कितने मिल गए उसे? 4. अब वो बोले इसमें से 1/6 मिले किसको? सीला को. ठीक हो गया, 1/6 सीला को मिले. अब इसके हमने 6 हिस्से करने हैं बराबर बराबर, तो कितने मिलेंगे उसे? 6 बराबर बराबर 3 2. कितने? 2. ये देखो ना, 2 2 2 2 2 2, तो 6 हो गई है. ठीक है, 2 2 हमने किसको दे दिए? सीला को. ठीक हो गया, क्लियर हो गया? यस सर. 2 हो गया. ठीक है, आप कोई से भी, जरूरी नहीं हमने जैसे ये कलर किया, आप ऐसे में भी कलर कर सकते थे. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं बाकी के बच्चे किसके पास हैं? आप बाकी के हैं मंजू के पास. आप देखो कितने बचे हैं इसमें बाकी? 3. क्लियर है? यस सर. समझ आई? यस सर. ठीक है, ऐसे हमने ये चॉकलेट को बांटना है. अब बताओ राजी में कितने भरना है हमने यहाँ पे? राजी में 3. सुगथा में 4. सीला में 2. मंजू में 3. क्लियर है? यस सर.